सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग अपने दम पर लड़ेंगे, बाद में पोस्ट पोल मिलकर आपको अगर आपके नंबर्स कम सीमित करने में वो सही हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो वो मिलकर सरकार बना लेंगे। वो 2004 याद करा रहे हैं, फील गुड, ठीक है, उनका अधिकार है। हाँ हाँ, नहीं 2004 भी आपको याद करा दें, एक आंध्र प्रदेश में इनकी 33 सीटें आई, उसके कारण 146 हुए, वरना 112 113 पर ही थे। और इस बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इनकी कितनी सीटें, जरा अभय दुबे जी बता दीजिए, और कितनी सीटें ले आने वाले हैं ये भी बता दीजिए, वहां आप टीआरएस के साथ गठबंधन करने वाले हैं क्या तेलंगाना में, ये भी बता दीजिए, आंध्रा में आप वाईएसआर से गठबंधन करने वाले हैं क्या, ये भी बता दीजिए, केरल में आप सीपीएम से गठबंधन करने वाले हैं क्या, ये भी बता दीजिए, ये पोस्ट पोल होगा प्री पोल होगा ये भी बता दीजिए। तो कृपा करके जो है 2004 के सपने देखना ठीक है, लेकिन 2024 से 20 वर्ष किसी किसी कर्नाटक के नतीजे देख लीजिए ना, एक बार कर्नाटक का ये जो नतीजा दिखा रहे हैं, कावेरी में बहुत जल बहा है। हाँ प्रेम जी, एक बार जल्दी से दिखा दीजिए कर्नाटक का ही नतीजा, ये लोकसभा का नतीजा देखिए। अभय जी आपको दिखा रही हूँ, जी जी जी, अब 40-44 पर आप लोग सिमट गए, एक बार में आप सोच रहे हैं जंप करके आप उखाड़ फेंकेंगे, ये देखिए ना, विधानसभा में पिछली बार भी 103 सीटें ही बीजेपी को आई थी, कोई उनको बहुत प्रचंड जीत वीत नहीं मिली थी, तो बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 25 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी। कर्नाटक का टेम्पलेट, देश का टेम्पलेट बना ही नहीं है अभी तक, तो आपको कैसे लग रहा है कि इस बार बन जाएगा? देखिए, आप ही का एक सर्वे में देख रहा था पुराना, आपने जिस एजेंसी से कराया था उसने कहा था कि कर्नाटक के इलेक्शन के पहले कहा था कि 15-17 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा कर्नाटका की हार के बाद। मैं एक बड़ा बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ, 19 का चुनाव बहुत इमोटिव इशू पर इन्होंने लड़ा, उस परिस्थितियों को अलग रख देते हैं, आज जो देश भर में परिस्थितियां इनके साथ है, मुझे बताइए दक्षिण भारत के प्रांत में तो ये बाहर हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं, जो सबसे बड़ा गठबंधन अगर है आज भी तो वो यूपीए का है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र का गठबंधन देख लीजिए, एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस पार्टी का, इधर बिहार में देख लीजिए, दो बड़े प्रांत है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है, अभी के जो परिणाम है हाल ही के उसको उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र के एपीएमसी के इलेक्शन में आपका सुपड़ा साफ हुआ कि नहीं हुआ इस 30 अप्रैल को, एमएलसी के 5 चुनाव महाराष्ट्र में हुए, आप 5 चुनाव में से 4 चुनाव हार गए, और वहां हारे नागपुर में और अमरावती में, जहां यूपी में क्या हुआ करता था, यूपी में क्या हुआ सर? देखिए उत्तर नहीं, लोक स्थानीय निकाय का चुनाव, अंजना जी देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, स्थानीय निकाय का चुनाव जहां भी होता है आमतौर पर वहां पर सरकारों के पक्ष में इंक्लाइंड होता है, महाराष्ट्र की परिस्थितियां इसलिए अलग है कि इन्होंने हथकंडों से हथियाई सरकार, तो इनके कस्बा पेट 25 साल बाद चुनाव हारे, उसके पहले कोल्हापुर का आप चुनाव हारे थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 21,000 और 25,000 वोट से आप बाई इलेक्शन फरवरी में हारे, जबकि वहां पर चुनाव होने वाले, इसका आशय यह साफ है कि जनता इंक्लिनेशन दिखा रही है, प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चली इतने वर्ष 9 वर्ष, उसने देखा कि किसे महंगाई की आग में झोंक दिया, 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 के पार कर दिया, 60-70 रुपए की दाल तेल 200 रुपए के पार हो गई, पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई 40% की, जैसे कर्नाटक में सरकार, कर्नाटक में आपने क्या क्या मुफ्त बांटने का ऐलान किया है, जो 5 गारंटीज है एक बार जरा बताइए। देखिए मुफ्त नहीं, वो जनता का अधिकार है, वही जो अधिकार से क्या क्या मुफ्त दे रहे हैं, 5 गारंटी तो हमने मैनिफेस्टो के पहले अनाउंस की थी, उसके बाद तो 50 से अधिक गारंटियां हैं, 2,000 रुपए प्रति माह बहनों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा, हमने कहा है कि 10 सारी महिलाओं को मिलेगा या सारी महिला 2,000 महिला प्रमुख घरों की दरी, पहली कैबिनेट में निर्णय होगा, 2,000 हर महिला को, बिल्कुल 2,000 कितना एक्सपेंडिचर इस पे आएगा, 2,000 रुपए प्रति माह। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे स्टेट में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम 1,500 रुपए कर रहे हैं, हमारे 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ के आसपास महिलाएं होती है, उसका हमने बजटरी प्रोविजन हर एक स्टेट में ये प्रावधान। अगला क्या कर रहे हैं, फ्री बस राइड भी है महिलाओं के लिए, बस राइड है, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 15,000 रुपए प्रति माह हम आंगनवाड़ी बहनों को दे रहे हैं, 10,000 रुपए छोटी आंगनवाड़ी बहनों को दे रहे हैं, 3,00,000 रुपए उनके रिटायरमेंट पर दे रहे हैं, 2,00,000 रुपए बहनों के रिटायरमेंट पर दे रहे हैं, किसानों को हम 3,00,000 रुपए तक का ब्याज मुफ्त, बगैर ब्याज का हम बगैर इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, 1,30,000 करोड़ रुपए हम 5 वर्षों में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कर्नाटका में बना रहे हैं, तो कर्नाटका के विकास की समग्रता से समृद्ध 500 रुपए हमने 500 रुपए ये 3 सिलेंडर मुफ्त देने वाले थे, लेकिन इतने लेट से जागे बासराज बुम्बई, क्यों 3 सिलेंडर वाला मामला चला, घोषणा करते हैं जना जी उत्तर प्रदेश में की प्रेम शुक्ला जी, अब तो फिर ये लड़ाई होगी ना कि कौन ज्यादा दे सकता है, इसकी तैयारी होगी 24 के लिए।
मैं अन्य मेहमानों के पास इसके बाद फौरन आ रही हूँ। प्रेम जी जवाब दीजिए। उसका और वो कह रहे हैं बिछड़े सभी बारी बारी। वो कह रहे हैं एमबीए, एक सेकंड सर पूरा सवाल सुन ले। एक तो फ्री बीस का मुद्दा, एमबीए इंटैक्ट है, एनसीपी कांग्रेस और उद्धव गुट, वहां जेडीयू आरजेडी जब वो कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस एक साथ इंटैक्ट है, ये सब इंटैक्ट है आपके साथ तो कोई नहीं टिका। तमिलनाडु में डीएमके के साथ हम है जो बड़ा गठबंधन, आपके साथ कोई नहीं टिका, दोनों पे आपका जवाब। ठीक है ठीक 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 है। पहली बात मैं एक तीसरे का जवाब देना चाहूंगा, स्थानीय इन्होंने कहा स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम हमेशा जिसके जिसकी राज्य में सरकार होती है उसी के पक्ष में आता है। मित्र हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी तब भी हमारे महापौर वहां जीतकर आते थे। मुंबई में आप शिवसेना की सरकार कभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार नहीं रहती थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका हमेशा, नागपुर महापालिका हमेशा, ठाणे महानगर पालिका हमेशा, पुणे महानगर पालिका हमेशा, संभाजीनगर महानगर पालिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पास रही है। ऐसे तमाम उदाहरण है, इसका जो है परिणाम पड़ता है। गुजरात में हम 2017 में स्थानीय निकाय चुनाव हारे थे, आपकी थोड़ी सी बेहतर स्थिति हुई थी, उसका परिणाम हमको 2018 के 17 के अंतिम चुनाव में जो है हमको कठिन चुनाव गया था। इस बार हम स्थानीय निकाय में जबरदस्त हमको बढ़त पहले ही मिली और वो आपने देखा कि 156 सीटें हम कैसे पाए। दूसरी बात, अब हमारे गठबंधन के साथ ही भाई हमारा साउथ में जो है AIADMK के साथ गठबंधन है, हमारा शिवसेना के साथ जो असली शिवसेना है जिसको निर्वाचन आयोग शिवसेना मानता है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलती है, शरद पवार के मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, उस शिवसेना ने बड़ा सिद्ध किया उसको संवैधानिक सरकार का सुप्रीम कोर्ट किया, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक सरकार कहा उसको, असंवैधानिक तरीके से भी सरकार आपने बनाई, चीफ व्हिप आपने गलत अपॉइंट किया, राज्यपाल के निर्णय पर पूरा कर लो, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने कैसे। आप ये देखिए इनको, इनका संकट हताशा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकार है। आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने श्रीमान एकनाथ शिंदे को संविधान के तहत सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया, एक बात। और श्रीमान उद्धव ठाकरे चूंकि भयभीत थे कि उनके साथ विधायक नहीं है इसलिए छोड़कर भाग गए थे वो, ऐसे में पलायनवाद का जो है सिक्का उन पर मारा है। तीसरा, उसने कहा इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि कौन जो है असली शिवसेना है, वो इलेक्शन कमीशन तय कर चुका है, ये बात हो गई। तीसरा, अब जो हमारे साथ अपना दल कल ही दो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, वो दोनों अपना दल हमारा जो साथी है वो चुनाव जीता है हमारा। इसी तरह से बिहार में हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे तमिलनाडु में गठबंधन के साथी हैं, हम केरल में भी कुछ छोटे दलों को अपने साथ गठबंधन में ले आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में हमारे गठबंधन के साथी है, तो NDA का भी बड़ा गठबंधन और प्रभावशाली गठबंधन है। और उस गठबंधन में जो है अभी नाना पटोले जिस तरह से संजय राउत के बारे में 4 दिन पहले बयान दिए थे, वैसे बयानों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रीमान संजय राउत के लिए शरद पवार 4 दिन पहले बोले, वो कुछ भी लिख देते हैं। तो शरद पवार और श्रीमान नाना पटोले आए दिन संजय राउत जी को जैसे जो है उनकी बेइज्जती करते हैं, मुझे बिल्कुल उनका मित्र होने के नाते, किसी जमाने में सहयोगी होने के नाते, मैं बहुत उसको लेकर जो चिंतित होता हूँ यार, इतना लत्ती लात खा के क्यों पड़े हुए हैं आप, इतनी आपकी दुर्दशा है कि उद्धव ठाकरे को रोज लोग जो है अड़का